अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 4 के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली बिगिन इनटू इट। सबसे पहले एमसीक्यूज क्या है आप लोगों के पास, के द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके पास अगर हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये होता है कि हम लोग जब एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लेते हैं चैप्टर 4 में, जो आई थिंक आखिरी एक्सरसाइज है उसके अंदर, ये है कि जो हम लोग जब एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 को इक्वल करते हैं और फिर वैल्यूज निकालते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है एक्सट्रीम वैल्यू की, कि हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम 0 के इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ 3x, उन्होंने हमें कहा हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स निकालने। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, 1/(1+x²)। अब इसका हमें पता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/(1+x²), लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x। तो अगर मुझे टेन इनवर्स ऑफ 3x निकालना है, देखो यहाँ पे जो है x का ये 1 यहाँ पे आ रहा है x का कोफिशियंट, यानी x का कोफिशियंट यहाँ पे बनता है, तो मैंने 1 ऊपर फॉर्मूला में पास 1/(1+x²) आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास x का कोफिशियंट जो है वो 3 है तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा अपॉन 1+(x²) है। यहाँ पे x था तो हमने x² लिख दिया, तो 3x का, यहाँ पे 3x है तो हम 3x का स्क्वायर कर देंगे। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/(1+9x²)। आई होप ये समझ में आ गया हो। यहाँ पे जो है x का कोफिशियंट लगेगा ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास x का कोफिशियंट 3 था तो मैंने फॉर्मूला को चेंज करके यहाँ पे 3 कर दिया। नीचे हमारे पास क्या था, 1+(1+x²) था, तो यहाँ पे x था तो x² किया, यहाँ पे 3x था तो 3x का होल स्क्वायर कर दिया, वो 1+9x² हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हमारे पास टेंजेंट ऑफ 9x। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा वो हमें निकालना है। अच्छा देखो, हमारे पास होता है टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, हमें नॉर्मली पता है कि जो टेंजेंट ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं टेंजेंट 9x की बात कर रही हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो एंगल होता है हमेशा वो तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 9 सीकेंट स्क्वायर, अब यहाँ पे x था, यहाँ पे x था तो मैंने x किया, अब यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे मेरे पास आंसर में भी चेंज होके x की जगह मैं 9x लिख दूंगी। आई समझ, यहाँ किया कि हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट 9x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो भी एंगल हमारे पास होता है वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम एंगल को मल्टीप्लाई करा देते हैं, एंगल के साथ जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो 9 वो आ गया। और सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं, क्योंकि एक्स था तो अब यहाँ पे चेंज होकर 9x हो रहा है, तो मैंने इसको कर दिया सीकेंट स्क्वायर 9x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट 9 सीकेंट स्क्वायर 9x। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ s इक्वल्स टू एफ ऑफ टी देन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, s इक्वल्स टू एफ ऑफ टी देन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर हमारे पास क्या है, अब इन्होंने ऑप्शंस हमें क्या दिए हुए हैं कि स्पीड एट टाइम टी, डिस्टेंस एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी या एक्सेलरेशन एट टाइम टी। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव, वैसे तो हमारे पास ये होता है कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारे पास वेलोसिटी नहीं होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव किया है तो ये फिर वो जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट होगी, डिस्टेंस से हमारे पास जाता है, डिस्टेंस से जाता है वेलोसिटी और वेलोसिटी से जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन में। अगर ये मेरे पास डी एस अपॉन डी टी होता तो फिर मैं इसको वेलोसिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करती, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हो गया तो वेलोसिटी नहीं अभी एक्सेलरेशन होगा, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट टाइम टी, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy/dx,
जिस इक्वेशन में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, वो इक्वेशन क्या क्या होती है ना, वो पॉलिनॉमियल होती है ना, वो एक्सपोनेंशियल होती है ना, वो लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है, हमारे पास वो कौन सी हो जाती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। सही है, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ ओफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एफ ओफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, डेरिवेटिव हमें लेना आता है, पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, पहले पावर फिर एक पावर कम, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो गया, फिर प्लस टू एक्स है तो ये टू हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर वो लोग ये कह दें कि इसका अभी तो हमें यहाँ पे हमें एक और एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, क्वेश्चन में हमें दिया है एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है, इसका मतलब है कि मुझे इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, दोबारा से डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, अगेन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, टू आ गया। सही है, अच्छा एक और क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा डिपेंड करता है, अगर देखो ये एफ डैश का मतलब है यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश का मतलब है आपने डेरिवेटिव का वापस से एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, और एफ ट्रिपल डैश का मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं, जो जो लाइंस बढ़ती जाती हैं ये कॉम्प्लीमेंट की, इसका मतलब होता है उसका उसी जो आंसर आ रहा है उसका आगे से एक और डेरिवेटिव ले लिया, फिर आगे से एक और डेरिवेटिव ले लिया। अगर इसी तरह का मैं अगर आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकालना, हमें एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस नाइन दिया हुआ है, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो निकालना है। अब ये किस तरीके से निकलेगा, पहले मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा सिक्स एक्स, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा सिक्स एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास सिक्स हो जाएगा। अब अगर हमें इसमें अब देखो यहाँ पे मैं इन्होंने कहा हुआ था एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, इसका मतलब ये था कि एक्स की जगह अगर आपके पास एंड में जहाँ जहाँ एक्स आएगा उसकी जगह आपने डेरिवेटिव लेने के बाद जीरो पुट कर देना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स मैंने निकाला है उसमें एक्स इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है आंसर मेरे पास यही रहेगा। अगर तो फॉर एग्जाम्पल इसमें इस इक्वेशन में कहीं एक्स आ रहा होता मेरे पास, तो मैं उस एक्स की जगह पर ये वैल्यू लिखती जो उन्होंने दी हुई होती, डेरिवेटिव लेने के बाद हम वो वैल्यू लिखते जो जो इन्होंने दी हुई होती है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा हुआ नहीं है तो एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक अपनी तरफ से भी एक एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, और उन्होंने कहा है एफ डैश ऑफ वन निकाल दो, ये निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं पहले तो मैं निकालूंगी एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा पहले पावर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने हमें अगर f डैश ऑफ 1 निकालने को कहा है तो f डैश ऑफ लगा देंगे x की जगह में 1, तो 4 x की जगह में लगाती 1 प्लस 5, तो इस तरह का कभी आपको आना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई f डैश ऑफ 1 कह दिया 2 कह दिया कोई भी नंबर कह दिया, तो आपने जितना उन्होंने जितनी टाइम्स उन्होंने डेरिवेटिव लेने को कहा हम उतना टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, देन जो वैल्यू उन्होंने दी हुई वो पुट करेंगे, तो 4 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी वो है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स देन एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू। सही है, अब हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस साइन एक्स हो गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस साथ ही रहेगा और ये कॉस एक्स हो गया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस साइन एक्स ये क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स पहले मैंने निकाल लिया, अब इन्होंने कहा था एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, मतलब एक्स की जगह मुझे रिप्लेस कर देना है जीरो को, तो साइन जीरो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन जीरो भी आंसर मेरे पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ पढ़ते हैं, डील्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल को डील करता है इंटीग्रल कैलकुलस, इनफिनिट इनफाइनाइट सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या डिफरेंशियल कैलकुलस, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास
डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग से कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं, वाई इक्वल्स टू साइन 3x दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, वाई टू निकालना है, वाई टू निकालना है। वाई टू का मतलब यह है कि इसका दो बार डेरिवेटिव लेना है। अगर मुझे दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू साइन 3x, तो एक बार जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन का एंगल जो भी है वो तो मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम एंगल को शुरू में लिख देंगे, 3 आ गया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस 3x हो जाएगा। साइन 3x किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 3x में। जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगी तो जो एंगल है अगेन वो शुरू में, इससे जो एंगल शुरू में मल्टीप्लाई होता है, तो ये अब क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 है और इस 3 को मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 हो जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी और फिर अब लिखूंगी माइनस 9 साइन 3x, तो आंसर मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मुझे निकालना है साइन 3x का, y इक्वल्स टू साइन 3x का निकालना है, नहीं, इंस्टेड इसको एक और, अगर मुझे इसको और आगे एक और डेरिवेटिव लेना है, फॉर एग्जांपल वाई क्यूब पे भी चले जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो शुरू से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो माइनस 27 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस 3x हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे बढ़ते जाते हैं, जितने भी उन्होंने कहा हुआ था जितना का भी डेरिवेटिव निकालना है। आगे डिस्कस करते हैं, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू ई की पावर 3x दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है y2 का मतलब है दो बार डेरिवेटिव निकालना है। अगर मैं इसका y1 निकालूंगी तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कि जो नंबर है सिर्फ जो ये वाला नंबर होता है वो शुरू में मल्टीप्लाई होता है और वो पूरा टर्म जो है ना वो एग्जैक्ट हम लोग लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, जो नंबर सिर्फ जो दिया होता है कोफिशियंट जो होता है बेसिकली उसको आप मल्टीप्लाई शुरू में लिखते हैं, बाकी वो पूरा एज इट इज आता है। अगर मैं y2 निकाली हूँ तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे तो 3 है, अब यहाँ पे भी जो 3 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 3 9 हो जाएगा और e की पावर 3x, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर y इक्वल्स टू e की पावर 2x है, तो अगर मुझे y1 निकालना है, y1 निकालूंगी तो मैं जो नंबर को जो कोफिशेंट है वो मल्टीप्लाई शुरू में आ जाता है, तो 2 बाकी सब एज इट इज e की पावर 2x हो गया। y2 निकालते हुए कोफिशेंट जो फिर मल्टीप्लाई होगा तो अभी ऑलरेडी 2 है तो 2 2 4 हो गया e की पावर 2x। y3 निकालते हुए क्या हो जाएगा, 2 4 8 e की पावर 2x। सही, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। ये हमारे पास वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों से कहा था वो भी डिस्कस कर लिए। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 6 के भी एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।